नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं हिमांशु और आप देख रहे हैं हलचल इंडिया। बेबाक खबर, तेज असर। आइए नजर डालते हैं आज की खबरों। राष्ट्रीय लोकदल के राष्ट्रीय अध्यक्ष व केंद्रीय मंत्री जयंत चौधरी पैरा ओलंपिक दौड़ में दो पदक विजेता प्रीति पाल के गांव में पहुंचे और फूल माला पहनाकर सम्मानित किया। साथ ही साथ NSDC के एम्बेसडर बनाया। रामराज स्थित एक मंडप में सेक्टर प्रभारी व बूथ अध्यक्षों के सम्मेलन के बाद राष्ट्रीय लोकदल के राष्ट्रीय अध्यक्ष व केंद्रीय मंत्री कौशल विकास जयंत चौधरी अपने काफिले के साथ पैरा ओलंपिक दौड़ में देश के लिए दो कांस्य पदक विजेता प्रीति पाल के गांव हाशमपुर पहुंचे और प्रीति पाल के परिजनों से मुलाकात कर उसके NSDC राष्ट्रीय कौशल विकास निगम का एम्बेसडर बनाकर उन्हें प्रशस्ति पत्र भेंट किया। बेटी प्रीति पाल ने कहा कि देश के लिए आगे बढ़ने के लिए कोई आर्थिक मदद नहीं कर रहा। जयंत चौधरी ने जल्द सरकार से बात कर प्रीति पाल को आर्थिक मदद दिलाने का आश्वासन दिया। इस दौरान गाँव के कुछ लोगों ने जयंत चौधरी को गाँव की समस्याओं से अवगत भी कराया। पूरे देश को गर्व है, उन्होंने कीर्तिमान स्थापित किया। पहली एथलीट है जिन्होंने एक नहीं दो दो मेडल जीते हैं। हम सब प्रार्थना करते हैं कि उनके कदमों में स्फूर्ति बनी रहे, उनकी ऊर्जा, उनका मनोबल हमेशा ऊंचा रहे, मजबूत रहे, बुलंद रहे। अब वो अपने लिए, अपने समाज के लिए, परिवार के लिए, अपने गांव के लिए बड़े सपने, देश के लिए बड़े सपने देखते रहें और एक एक करके उनको पूरा करते हैं। जी, आगे ओलंपिक की भी बात इन्होंने की है, आप सरकार की ओर से किस तरह का सहयोग मिलेगा? कि पैरालंपियन है और पैरालंपिक्स के बड़े स्टेज पर फ्रांस में जाके उन्होंने देश का परचम फहराया, देश के नेशनल एंथम को वहाँ बजवाया। बड़ी बड़ी इनकी उपलब्धि है। NSDC ने, जो नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन है जो मेरे मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करता है, देश में कौशल विकास के अनेकों योजनाओं को क्रियान्वित करती है बॉडी, इसने प्रीति पाल जी को अपना एम्बेसडर चुना है। पहली एम्बेसडर है पूरे देश भर में और एज अ स्पोर्ट्स पर्सन, एज अ यंग वुमन, एक महिला के तौर पर, एक युवा के तौर पे वो देश को प्रेरणा दे। जिस तरह से आपने इस बार निधि लगातार खिलाड़ियों के और स्टेडियम के लिए लगा रही है, क्या प्रीति पाल के गांव में भी आपकी निधि इसी स्टेडियम? अगर कोई प्रस्ताव आएगा, गांव की कोई समस्या जरूर छोटी मोटी है, वो मेरे मेरे संज्ञान में लाई गई है। बार प्रशासन को हमने अवगत करा दिया, दूर हो जाए। आपकी ओर से किसी तरह की आर्थिक मदद? मैं तैयार हूँ। अगर गाँव की तरफ से कोई प्रस्ताव होगा, हमारे यहाँ इस क्षेत्र के विधायक अब सांसद बन चुके हैं, तो जैसे प्रमोशन होता है तो इस गांव को भी प्रमोट करेंगे हम। वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का, कल फिर होंगे हाजिर कुछ नई और ताज़ा खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाज़त। नमस्कार। हमारे YouTube और Facebook चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब करना ना भूलें।